सबसे पहले तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को 7 मार्च 2024 की वार्षिक परीक्षा के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत पेपर अच्छा जाने वाला है। अब आपके अंतिम समय में आपकी सहायता के लिए मैं लेकर के आया हूँ कुल 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस, जो कि पूरे क्वेश्चन जो हैं 2024 की बोर्ड परीक्षाओं से पूछे गए हैं। मैंने ये सभी प्रश्न पूरे बोर्ड से इकट्ठे किए हैं, यानी सभी बोर्डों से हमने ये प्रश्न जो है आपके लिए इकट्ठा किए हैं आंसर के साथ में। ये पहला पेपर है हमारा, ये दूसरा पेपर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इन कुल 6 पेपर में कुल 75 क्वेश्चंस जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पूछे गए हैं, जो कि आपके 7 मार्च यानी कल के पेपर के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर के साथ इन सभी प्रश्नों को। बहुत ही छोटे उत्तर मैंने दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला पेपर, और हम सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो है वो 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, पहले पेपर का है। व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स? नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बनते हैं दक्षिण अफ्रीका के, तो वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद क्यों करते हैं? ही थैंक्ड ऑल ऑफ देम फॉर कमिंग फ्रॉम फार एंड लार्ज टू अटेंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट्स ओथ टेकिंग सेरेमनी। यानी नेल्सन मंडेला उन सभी का धन्यवाद करते हैं साउथ अफ्रीका आने के लिए इतनी दूर से, और इतनी बड़ी संख्या में पहले एक अश्वेत राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में, यानी नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह में विश्व के विभिन्न देशों से नेता गए थे, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। क्योंकि थोड़े समय पहले तो दक्षिणी अफ्रीका को एक जो है गैर कानून देश का दर्जा दिया गया था। व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स? यानी ये जो हमारा लेशन है सेरमोन फॉर बनारस, उसमें हम लास्ट में देखते हैं कि किशा गौतमी जो एक शहर की जलती और बुझती हुई रोशनी को देखती है, उससे वो क्या सीखती है कि ह्यूमन लाइव्स आर लाइक द लाइट्स, कि इंसान की जिंदगी जो है वो उन दियों की तरह है, रोशनी की तरह है। एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि कभी जलती है और जब उसकी तेल या उसकी बाती खत्म हो जाती है तो वो खत्म हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो वो समझ जाती है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी मृत्यु जो है वो सभी के लिए आएगी। तो उत्तर क्या रहेगा? ह्यूमन लाइव्स आर लाइक द लाइट्स, दियों की तरह है, रोशनी की तरह है, वो जगती और बुझती रहती है, इसलिए डेथ सभी की लिए कॉमन है। ये बात किसा गौतमी समझ जाती है। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? यंग सीगल क्यों उड़ने से डरता था? यंग सीगल थॉट, क्या सोचता था? दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसके वजन को, उसके भार को नहीं उड़ा पाएंगे वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय, और वो उड़ नहीं पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड नताल्या रिएक्ट व्हेन सी केम टू नो दैट लोमो हैड कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज? नताल्या ने लड़ाई झगड़ा तो कर लिया, लेकिन लास्ट में जब उसे चुबको कहता है कि लोमो शादी का प्रस्ताव लेकर के आया था, तब वो कैसा रिएक्ट करती है, कैसा बर्ताव करती है? सी ब्लेम्स हर फादर, नताल्या जो है अपने पिता पर आरोप लगाती है फॉर नॉट टेलिंग हर सुनर, कि आपने जल्दी क्यों नहीं बताया। क्राइज, वो चीखती है, चिल्लाती है फॉर हिम, लोमो के लिए। टू बी ब्रॉट बैक, अपने पापा से कहती है, पिता से कहती है कि उसे वापस लेके आओ। एंड थ्रेटन्स टू डाई इफ ही इज नॉट, अगर वो नहीं लेकर के आते हैं लोमो को वापस तो वह अपनी जान दे देगी, ऐसा जो है नताल्या जो है वो कहती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज इन टू डिजास्टर? बरसात जो है वो बर्बादी में कैसे बदल जाती है? हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत इससे कैसे प्रभावित होते हैं? द रेन चेंज इन टू हेल स्टोन्स, बारिश जो है वो ओलों में बदल जाती है। एज ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जैसे ही हवा बहती है तेज,
तो बारिश ओलों में बदल जाती है, हेल स्टोन्स में बदल जाती है। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद रेन, और बड़े बड़े ओले जो गिरना शुरू हो जाते हैं, इनसे होता क्या है, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों की सारी फसल गॉट डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड राजवीर सी ऑन वे ड्यूरिंग हिज कार्स जर्नी टू देखीपाड़ी। तो जो है राजवीर क्या देखता है अपनी कार की यात्रा के दौरान, ही सा सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, वो हरे भरे जो है वो धान के खेत देखता है, और उसी के साथ वो देखता है ग्रीन टी बुशेस, चाय की हरी हरे पेड़ झाड़ियाँ वहाँ पर वो देखता है, यानी ग्रीनरी रास्ते के अंदर उसे देखने को मिलती है। व्हाट लाइफ डज अमेंडा विश फॉर, अमेंडा नाम की जो लड़की है वो कैसी जिंदगी चाहती है। अमेंडा विशेज फॉर ए लाइफ फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, अमेंडा जो है वो एक आज़ाद जिंदगी चाहती है। वो कौन कौन सी जिंदगी चाहती है अगर पूछा जाए, तो मरमेड की, एक ऑर्फन जो गलियों में घूमता है उसकी, और राजकुमारी रेपुंजल की लाइफ जो है वो जीना चाहती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का, द ट्रीज का, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का। अगर आपको लर्न नहीं है तो एक बार हमारा इसका वीडियो सेंट्रल आइडिया का जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। हरी सिंह ने जब पैसे चुरा लिए थे तो वो वापस क्यों आया, बिकॉज ही फेल्ट, उसको महसूस हुआ हरी सिंह को, दैट वेन अनिल वुड कम टू नो, अनिल को जब ये पता चलेगा अबाउट द थेफ्ट, चोरी के बारे में, ही वुड फील सैड, उसे दुख महसूस होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के नुकसान के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के नुकसान के लिए। अगला प्रश्न है, वाई वाज ओजबेल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर कम। ओजबेल ने जब मैक्स को कहा कि यहाँ बालकनी है और बालकनी से आप छुप जाइए, पुलिस आई हुई है, तो वहां पर वो छुपता है बालकनी में, उसे वो कन्विंस कर लेता है, तो ओजबेल को क्यों लगता है कि अब वो वापस नहीं आएगा, बिकॉज ही नोज, क्योंकि ओजबेल जानता था कि देर इज नो बालकनी, क्योंकि वो बालकनी नहीं है और मैक्स सीधा नीचे गिर के मर गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। पहले तो भोली जो है वो विशंबर जो कि उसके पिता के समान उससे शादी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, लेकिन बाद में शादी करने से मना क्यों कर देती है। भोली इनिशियली एग्रीज, शुरुआत में वो एग्री हो जाती है, राजी हो जाती है टू मैरी एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए, टू ऑनर हर फादर एंड फैमिली, अपने परिवार की, अपने पिता की इज्जत के लिए, लेकिन सी फाइंड्स द मैन टू बी ग्रीडी, वो मना इसलिए कर देती है कि वो आदमी बहुत ज्यादा लालची था, उसने दहेज मांगा था। लास्ट क्वेश्चन पहले पेपर का है, हाउ डिड अ नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेजन। ये जो मदर गूज नाम की किताब है, इसने धरती पर मंगल ग्रह के आक्रमण को कैसे रोका, तो वहां का जो सेनापति था थिंक टैंक, वो मिस इंटरप्रेट्स का मतलब है गलत अनुवाद कर देता है, गलत अर्थ समझ लेता है द राइम्स, जो कविताएं हैं, ये जो बच्चों की कविता कविता की किताब है मदर गूज, इसका वो गलत अर्थ लगा लेता है, एंड टेक्स देम एज थ्रीट टू हिम एंड मार्स, और वो ये सोचता है कि धरती के लोग जो हैं वो मंगल ग्रह पर और उसके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पेपर था, इसी प्रकार से हम पूरे 6 पेपर देखने वाले हैं जो कि वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछे गए हैं, विभिन्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। अगर आपको कंटेंट जो है इसी प्रकार का सारे विषयों के अंदर लेना है, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। आइए देखते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर का पहला जो प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है, हुम डिड लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी धूर्त मक्कार लोग लेंचो किसे कहता है और क्यों कहता है। तो लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को जो है वो मक्कार कहता है, और क्यों कहता है, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टुक द रेस्ट ऑफ द मनी, कि उसे सिर्फ 70 पैसोज ही मिले और बाकी का रेस्ट ऑफ द 30 पैसोज हैं वो किसने ले लिए, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने ले लिए, इसलिए उनको वो मक्कार कहता है। व्हाई डिड एन ए फ्रेंक मेंटेन ए डायरी, एन ए फ्रेंक जो है एक डायरी क्यों रखती है,
सी डज नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स, उसके पास कोई उसका गहरा अच्छा दोस्त नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है, होम सी कैन कन्फाइड इन, जिसको वो अपने सीक्रेट की बातें बता सके, इसलिए वो अपनी सारी बातें डायरी में लिखना चाहती है। अगला प्रश्न है, वाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वल्ली को बच्चा कहा जाना पसंद क्यों नहीं है, वल्ली जो बस में चढ़ी तो उसे बच्चा कहा गया, वो बच्चा कहने से उसे नाराज क्यों हुई। वल्ली थिंक्स शी इज अ ग्रोन अप, वल्ली सोचती है कि वो एक बड़ी हो चुकी है क्योंकि वो खुद यात्रा कर रही है, एंड डजंट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, और उसे एक बच्चा कहा जाना पसंद नहीं आया। सी टेल्स हिम दैट सी टू हैड पेड हर फेयर, उसे भी यह लगता है कि उसने उसका पूरा पैसा दिया है, 30 पैसे किराया पूरा दिया है, लाइक एवरीवन एल्स, जैसा कि सभी ने दिया है, तो उसे बच्चा कहा जाना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन मंडेलाज ओपिनियन व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, राष्ट्रपति मंडेला की राय में किसी देश का सबसे बड़ा धन क्या है। नेल्सन मंडेला बिलीव्ड, नेल्सन मंडेला का मानना था That nation's great wealth, किसी भी देश का सबसे बड़ा धन है its people, उस देश के लोग। अगला क्वेश्चन है, Why was किसा गौतमी sad, किसा गौतमी दुखी क्यों थी। She lost her son, क्योंकि उसका बेटा मर गया था। What lesson did she learn in the end, अंत में वो क्या लेसन सीखती है। Death and suffering are common to all, कि मृत्यु और दुख सभी लोगों के लिए आम बात है, सभी लोगों के लिए मृत्यु और दुख आते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने शुरुआत में वल्ली को किस प्रकार से रिसीव किया, बस में चढ़ने पर कैसा व्यवहार उसके साथ रहा। द कंडक्टर सीइंग दैट सी वाज जस्ट अ चाइल्ड, कंडक्टर ने देखा कि एक तो बच्ची है, स्ट्रेच आउट हिज हैंड टू हेल्प हर अप, उसने अपना हाथ आगे किया उसकी मदद करने के लिए। वल्ली रिप्लाइड, लेकिन वल्ली ने जवाब दिया दैट सी कुड गेट ऑन बाय हरसेल्फ, कि वो खुद चढ़ सकती है, एंड डिड नॉट नीड एनी हेल्प, और उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। अगला है, हाउ इज ए टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम ए टाइगर इन द जंगल, एक चिड़ियाघर का टाइगर जंगल के टाइगर से अलग कैसे है। तो जू का जो टाइगर है, इट इज ए कैज्ड एनिमल Who has lost its freedom? तो जू के टाइगर की आजादी खो गई है। Whilst in the latter, यानी जंगल वाला जो टाइगर है, it is independent and supreme, वो आजाद है और ताकतवर है। चिड़ियाघर वाले जानवर की ताकत उन सलाखों से ज्यादा नहीं है। सेंट्रल आइडिया पूछा है टाइगर जू डस्ट ऑफ स्नो द ट्रीज का, आप वीडियो से हमारे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, डॉक्टर साहब होरेक डेनबी ने, डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी का इलाज कैसे किया। डॉक्टर हैरियट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, यानी डॉक्टर हैरियट ने ट्रीट किया ट्रिकी को विदाउट मेडिसिन, कोई दवाई उसने नहीं दी, सर्जरी उसकी नहीं की, तो क्या किया, ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड, उन्होंने ट्रिकी के को दिया जाने वाले फूड का अमाउंट कंट्रोल किया, लेकिन उससे पहले He gave him plenty of water. उसे केवल पानी दिया उसे। He made Tricky play and exercise with other dogs in surgery. और उनके क्लिनिक में जो दूसरे कुत्ते थे, उनके साथ ट्रिकी को खेलने के लिए, कसरत करने के लिए, भागने दौड़ने के लिए छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, Why was Bholi's father worried about her? भोली के पिता रामलाल भोली के लिए क्यों दुखी थे? Because Bholi had neither good looks, ना ही भोली का अच्छा शकल थी, नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो बुद्धिमान थी। ही डिड नॉट नो, पिता नहीं जानता था, हाउ ही वुड फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर, कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति कैसे ढूंढ पाऊंगा, ये जो है भोली के पिता नहीं जानते थे। अगला सवाल जो है, वट वुड हैव हैपन्ड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, अगर मटिल्डा जो है वो डायमंड का नेकलेस नहीं खोती तो क्या हुआ होता। She would have continued to think of herself as a victim of fate. तो होता ये कि वो हमेशा अपने आप को एक शिकार मानती, पीड़ित मानती, दुखी व्यक्ति मानती, भाग्य का, कि भाग्य ने मेरे साथ गलत किया है। And the heroism elicited from her character by the need to pay for the replacement necklace would never have developed. और बाद में उसके चरित्र के अंदर जो एक मजबूती आती है
कि मुझे अपना पैसा चुकाना है नेकलेस की भरपाई करने के लिए, वो चरित्र की मजबूती उसमें कभी भी पैदा नहीं हो पाती। वो हमेशा अपने आप को एक गरीब होने की वजह से कोसती रहती, लेकिन नेकलेस खोने के बाद वो अपने आप को जो है उसने मजबूती से लोगों के सामने रखा है। हर चीज़ का उसने, मुश्किल का सामना उसने किया है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द थीफ बिकम अ फ्रेंड टू अनिल? थीफ जो है वो अनिल का दोस्त क्यों बना? ही फाउंड अनिल एज इजी टारगेट टू स्टील, क्योंकि चोर ने सोचा कि अनिल जो है वो चोरी करने के लिए एक सही टारगेट है। अनिल ऑफर्ड हिम टू स्टे विद हिम, इजी गोइंग पर्सन था अनिल, उसको आसान टारगेट लगा। अनिल ने ऑफर किया कि आप रह सकते हो मेरे साथ में, मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। और ग्रेजुअली अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह, वो धीरे धीरे लगातार जो है अनिल के अंदर हरी सिंह के प्रति विश्वास जो है वो डेवलप हो जाता है। अगला तीसरा पेपर, तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। दूसरे बाकी के पांच सब्जेक्ट्स में भी मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तीसरे पेपर का पहला प्रश्न है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर? किस बात से पोस्टमास्टर प्रभावित हुआ लेंचो की? हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, और पोस्टमास्टर ने उसकी कैसे मदद करने की कोशिश करी? द पोस्टमास्टर वॉज अमेज्ड, पोस्टमास्टर को आश्चर्य हुआ एट लेंचोज अनसेकेबल फेथ इन द डीटी, कि गॉड के अंदर, डीटी का मतलब है गॉड में, भगवान में उसका जो विश्वास था, अटूट विश्वास, उसकी वजह से वो प्रभावित हुआ। एंड दस टू रिटेन इट, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स, और उसने जो है लेंचो को पैसे भेजने के लिए पैसे इकट्ठे किए अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, उसको 70 पैसों जो भेजता है। तो ये प्रश्न हमने पहले भी देख लिया है कि राजवीर ने रास्ते में क्या देखा था। ये प्रश्न अलग प्रकार का है, हमारे ऐसा नहीं आएगा। सीगल्स क्या है? एक पक्षी है जो समुद्र के किनारे बीचेस पे रहता है। आप क्या सीखते हो? तो कड़ी मेहनत से, प्रयास से, जो भी आप, इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आता है। व्हाट प्रॉम्प्टेड एने फ्रैंक टू कीप अ डायरी? ये क्वेश्चन हमारे पहले भी आ चुका है कि एने फ्रैंक डायरी क्यों रखती है। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि डायरी का क्या नाम था। तो डायरी का नाम वो रखती है किटी। नेल्सन मंडेला के बारे में बताइए। तो नेल्सन मंडेला के बारे में जो है उनका चरित्र चित्रण यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, कि बहस का क्या मुद्दा है बिटवीन नताल्या एंड लोमोव? नताल्या और लोमोव के अंदर लड़ाई झगड़े का कारण क्या रहता है? नताल्या एंड लोमोव आर एम्बॉयल्ड इन डिसएग्रीमेंट, उसमें एक बहस हो जाती है। आप इन कठिन शब्दों को छोड़ सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं कि रिगार्डिंग द ऑनरशिप ऑफ द ऑक्सन मीडोज, वो जो चारागाह है, ऑक्सन मीडोज है, उन ऑक्सन मीडोज की ऑनरशिप को लेकर के उनके अंदर बहस शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल इज अमेंडा? अमेंडा कैसी लड़की है? अमेंडा इज ए यंग, रेस्टलेस, विद अ विविड इमेजिनेशन। अमेंडा एक लड़की है, युवा, बेचैन और कल्पनाशील, बहुत ज्यादा उसकी कल्पनाएं हैं। सी यर्न्स फॉर फ्रीडम, वो चाहती है, वो तड़पती है आजादी के लिए, सोलिट्यूड, अकेले रहने के लिए, एंड पीस इन हर लाइफ, वो अपनी जिंदगी में शांति चाहती। वो अपनी मदर का जो है वो बिल्कुल रोकना टोकना उसे पसंद नहीं है। सेंट्रल आइडिया पूछा गया, फायर एंड आइस, द बाल पोएम एंड टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अनिल वापस क्यों आया, ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। भोली विशंबर से शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो ये भी हमने देख लिया, क्योंकि वो एक ग्रेडी आदमी था। How is Horace Danby cheated by the lady in the story? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि Horace Danby को उस युवा महिला ने, जब वो चोरी करने के लिए Horace Danby उस घर में गया था, तो उसे कैसे उस औरत ने बेवकूफ बनाया, उसे धोखा दिया। तो she managed to convince Horace, उसने Horace को ये मना लिया या इस बात के लिए राजी कर लिया that she was the lady of the house, कि वो घर की मालकिन है। Whose husband was away for a month, कि उनका पति एक महीने के लिए बाहर गया है, and tricked him into breaking open the safe, और उससे वो गहनों की तिजोरी जो है खुलवा लेती है,
एंड गिविंग हर द ज्वेल्स, और होरेक उसे जो है ज्वेलरी दे देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसका तीसरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लोइजल बिफोर एंड आफ्टर सी लॉस्ट द नेकलेस। मटिल्डा लोइजल जो है वो पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो जाती है। तो मटिल्डा लोइजल जो है उसका हमने पहले देख लिया है कि मटिल्डा लोइजल जो है वो हमेशा कंप्लेन रहती करती रहती है, वो दुखी है, वो अपनी गरीबी को अपने भाग्य को कोसती रहती है। मटिल्डा हैड टू गिव अप ऑल हर कंफर्ट्स, लेकिन बाद में वो अपने आराम छोड़ देती है, एंड इवन हर वांड्स आफ्टर द नेकलेस वाज लॉस्ट इन ऑर्डर टू सेव इनफ मनी टू बाय ए नेकलेस एंड गिफ्ट इट टू हर बॉडी। और वो सारी की सारी चीज़ें जो वो चाहती है वो छोड़ देती है उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। सी बिकेम ए फिजिकल डिजास्टर, और इस दौरान उसकी शारीरिक स्थिति एकदम एकदम जो है उसका शरीर जो उसका है वो बुढ़ापे की बूढ़े व्यक्ति की तरह लगने लग जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर वर्क, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करती है, टेंशन तनाव में रहती है और अपने आप की देखभाल वो नहीं कर पाती है। इस वजह से मटिल्डा की जो है वो फिजिकल उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम देखने जा रहे हैं चौथा पेपर, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और आपकी परीक्षा में मदद जरूर करेंगे। What was only hope that Lencho thought? कौन सी एक उम्मीद थी जो लेंचो ने सोची थी? तो लेंचोज ओनली होप वॉज फ्रॉम गॉड, भगवान से। What was the result of sight that सिद्धार्थ saw? जब गौतम सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव यात्रा को, फ्यूनरल को और एक साधु को भीख मांगते हुए देखा तो उस पर क्या हुआ? He left his royal life. उन्होंने अपना राजपाट सारा छोड़ दिया एंड वेंट फॉर एनलाइटनमेंट, और जो है वो जागृति के ज्ञान की तलाश में निकल पड़े अपना सारा सब कुछ परिवार वगैरह छोड़ करके। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी देश का धन क्या है, तो उस देश के पीपल, उसके लोग जो है उसका धन है। क्वेश्चन है, हु रेज द वॉइस स्टॉप द बस, ये आवाज कौन उठाता है? भोली। क्यों? सी वॉन्टेड टू विजिट द टाउन और हैव ए बस राइड, कि वो जो है एक बस की सवारी करना चाहती थी इसलिए। अगला क्वेश्चन है, वाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट एसे, जो उसे पहला निबंध मिलता है, ऐसे मिलता है तो उसमें क्या लिखता है, क्या उसको पनिशमेंट दी गई थी? इन हर फर्स्ट एसे टाइटल्ड ए चैटर बॉक्स, पहले निबंध का टाइटल था चैटर बॉक्स। एने फ्रेंक आर्ग्यूज दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, एने फ्रेंक उस निबंध में लिखती है कि बात करना एक स्टूडेंट का जो है अधिकार है, उसका कर्तव्य है। एंड दैट सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वो जो है इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे ये जो है अपनी मदर से मिला है तो इसका कुछ नहीं कर पा रही है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, डिस्क्राइब द साइट दैट मूव्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध किस चीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। एन ओल्डर मैन, अ सिक पर्सन, अ कॉप्स, अ मॉन्क आस्किंग फॉर आर्म्स, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को, एक शवी को, एक साधु को भीख मांगते हुए देखा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान वो हो गए और उन्होंने अपना राज छोड़ दिया था। अमेंडा बाल पोएम एन ए ग्रेगरी का जो है यहाँ पर समरी पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज मिसेज पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेज पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हैं? बिकॉज ही वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी नाम का कुत्ता कुछ नहीं खा रहा था, एंड स्पेंड ऑल इस टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग, वो नीचे एक दरी पर या चटाई पर नीचे फर्श पर लेटा हुआ पेंटिंग हाँफ रहा है। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेज, वो अपनी फेवरेट डिशे भी नहीं खा रहा है, यानी चीज़ें भी नहीं खा रहा है। एंड वुड हैव बाउल्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो बार बार उल्टियाँ कर रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज लोइजल्स हस्बैंड, मटिल्डा के पति किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो एक कलरक बाबू हैं? ही इज केयरिंग, वो एक परवाह करने वाला,
कंसिडरेट, हर बात को समझने वाला, जेनिरस एक उदार दिल वाला हस्बैंड है, हु वांट्स हिज वाइफ टू बी हैप्पी, वो चाहता है कि उसकी पत्नी खुश रहे, ही इज आल्सो कंटेंट, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, एंड एक्सेप्टिंग, अपने भाग्य को उसने स्वीकार कर लिया है, एंड ट्राई टू प्लीज हिज वाइफ, अपनी पत्नी को हमेशा खुश करने की वो कोशिश करता है, इवन दो ही डज नॉट फुली अंडरस्टैंड हर, यद्यपि वह अपनी पत्नी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, उसके स्वभाव के बारे में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है, वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीप टू पुलिस, अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? बिकॉज ही रियलाइजेज दैट हरी हैड लर्नड हिज लेसन, क्योंकि अनिल को महसूस हुआ कि हरी सिंह ने अपनी जो है सबक सीख लिया है, एंड हैज चेंज फॉर द बेटर, और हरी सिंह वापस आया है क्योंकि वो बदलना चाहता है, तो इसलिए उसको बदलने का एक मौका देने के लिए हरी सिंह को पुलिस के हवाले नहीं किया। What was the cause of Matilda's ruin? Matilda के विनाश के क्या कारण रहे? How could she have avoided it? और Matilda इस विनाश से किस प्रकार से बच सकती थी? Matilda's ruin was caused by her dissatisfaction. वो जो हमेशा असंतुष्ट रहती थी, इस वजह से Matilda का विनाश हुआ। If she had not borrowed the necklace, अगर वो necklace उधार नहीं लेती, she could have avoided it. वो इस अपने विनाश से बच सकती थी। तो अभी हमने चौथा पेपर देख लिया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अभी पांचवा पेपर हम लेकर के आ रहे हैं, व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्व टू रेन इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड लेसन में बच्चे बरसात में क्या कर रहे थे? तो लेंचो के जो बेटे हैं, द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट हेलस्टोन्स, बच्चे जो हैं वो ओले इकट्ठा कर रहे थे, वेन स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई। व्हाट डिड बुद्धा आस्क द गर्ल टू ब्रिंग द क्योरिंग फॉर क्योरिंग द चाइल्ड, बुद्धा ने किसा गौतमी से क्या लाने के लिए कहा कि उस चीज से उसके बेटे को जिंदा कर दूंगा? तो बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, उसे कहा कि सरसों लेकर के आओ, एक मुट्ठी सरसों राई लेकर के आओ, फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से जो है आप लेकर के आओ, वेयर नो वन हैड डाइड, जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं हो, ऐसे घर से तुम एक मुट्ठी जो है सरसों लेकर के आओ, उससे मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, कि कब तक मंडेला को जो है, नेल्सन मंडेला को जो है, इंसान के बनाए कानून ने या भगवान ने परेशान नहीं किया था? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब तक वो आजाद था? ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, उसे परेशान नहीं किया गया था, एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, जब तक उस वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था, एंड फॉलो द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, और अपनी जनजाति के नियमों का पालन करता था, बाहर के खुले विचारों में जब तक वो नहीं पड़ा था, आज़ादी के बारे में उसने नहीं सोचा था, तब तक वो किसी परेशानी में नहीं पड़ा था। How did Valli pick up various small details about the bus journey? Valli ने बस जर्नी के बारे में डिटेल्स कहाँ से प्राप्त की? Valli gathered information about her bus travel. तो कहाँ से इकट्ठा की? Listening to the conversation between her neighbors and bus travelers or riders. वह अपने पड़ोसियों की बातों को, कन्वर्सेशन को सुनती थी, और बस के जो यात्री थे उनसे asking questions, उनके जो है कुछ प्रश्न उनसे पूछ लेती थी, उससे वो जो है ये सारी डिटेल उसने पता की थी, नेबर से और बस के पैसेंजर से। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ पेपर का, हाउ डू यू नो दैट द ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, आप कैसे समझ सकते हैं कि ब्रेड जो है वो गोवा के ग्रामीण जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? बिकॉज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ गोवनीज, गोवा के लोगों के जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड, नहीं मनाए जा सकते विदाउट बोल एंड स्वीट ब्रेड, जो ब्रेड वहाँ पर बनाई जाती है, मीठी ब्रेड, उसके बिना नहीं बनाए जा सकते। बोलिन हाज नीड टू बी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस, क्रिसमस के दौरान वहाँ बेकर के द्वारा बनाए जाने वाली ब्रेड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं दूसरे त्योहारों में भी। द मदर यूज टू प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट, माता जो है
मदर अपनी पुत्री की सगाई में एंगेजमेंट में सैंडविच जो है वो तैयार करती हैं जो सभी ब्रेड से बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेड जो है वो गोवा की लाइफ में बहुत बड़ा एक हिस्सा है, बेकर हो चाहे ब्रेड हो। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म। वो जो है भगवान में लेंचो के विश्वास को बनाए रखना चाहता था, एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट, क्योंकि पोस्ट मास्टर भगवान के प्रति जो विश्वास लेंचो का था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। अमेंडा के बारे में बताइए, तो अमेंडा जो है उसके बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन जो है वो देख चुके हैं। टाइगर इन द जू, द ट्रीज, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से जो क्वेश्चन पूछा गया है। हरी सिंह को क्या मिलता था? तो खाना मिलता था, रहने के लिए जगह मिलती थी। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड ईरा ऑफ द बुक्स? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर बुक्स, क्योंकि 19वीं सदी में किताबें थी अबाउट एवरीथिंग, सभी विषयों के बारे में। दैट रेंज फ्रॉम एंटीटर्स टू जुलूज, एंटीटर से लेकर के जुलू तक, यानी हर चीज के बारे में किताब थी, इसीलिए ईरा ऑफ बुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द लाइफ कोर्स ऑफ हर लाइफ? भोली की जो टीचर थी उसने भोली की जिंदगी को कैसे बदल दिया? सी इनक्रेज्ड भोली एवरी टाइम, वो भोली को हमेशा प्रेरित करती थी, एंड वॉज अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर, और उसके प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखती थी। सी आस्क भोली टू पुट असाइड हर फियर, उसने भोली से कहा कि अपने भय को, अपने डर को दूर रखो। ऑफ नॉट बींग एबल टू स्पीक प्रॉपरली, क्योंकि भोली सही तरीके से बोल नहीं पाती थी। सी ट्रांसफॉर्म भोली इन टू ए कॉन्फिडेंट गर्ल, उसकी टीचर ने भोली को एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वासी गर्ल के रूप में चेंज कर दिया। हु कुड रीड, जो पढ़ सकती थी, राइट लिख सकती थी, स्पीक बोल सकती थी प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से। विच इज़ वाट इवेंचुअली लेड टू हर हैविंग सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और इन सब चीज़ों की वजह से भोली जो है वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी वाली लड़की वहाँ पर बन गई थी, हकलाने वाली लड़की से। इस पेपर का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? ग्रिफिन जो था एक वैज्ञानिक के रूप में कैसा था? तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो था एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक था। एज ही डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फॉर्मूला टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, क्योंकि उसने मानव के शरीर को अदृश्य बनाने के बारे में सोच लिया, एक तरीका पता कर लिया था। दिस वाज इंडीड अ बिग अचीवमेंट इन साइंस, और ये साइंस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रगति थी। अब हम छठा और आखिरी पेपर देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद होने वाले सभी विषयों, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, समाज विज्ञान और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लेकर के आऊँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लास्ट पेपर छठा है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो किस वजह से नाराज हो गया? तो लेंचो की सीधी सी बात है, उसने 100 पेसोज मांगे थे, उसे 70 पेसोज ही मिले। लेंचो बिकम्स एंग्री व्हेन ही रिसीव्स ओनली 70 पेसोज, रिसीव्स ओनली 70 पैसोज इंस्टीट ऑफ 100 ही रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने मांगे थे 100 पैसोज और जब उसने एनवेलप को खोला तो उसमें 70 पैसोज मिले। इसलिए लेंचो नाराज हो गया कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने वो पैसे चोरी कर लिए। अगला क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार आजाद कौन नहीं है? अकॉर्डिंग टू मंडेला एन ऑप्रेशर इज लाइक ए विक्टिम ऑफ हेटार्ड। मंडेला के अनुसार जो शोषण करता है वो शोषण करता जो है वो शिकार बन जाता है नफरत का। हु इज इम्प्रिजेंट बाय प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, जो कि पूर्वाग्रह है और संकीर्ण मानसिकता का शिकार हो जाता है, उनकी कैद में चला जाता है। सो ही डज नॉट बिलीव दैट ऑप्रेसर इज फ्री। तो मंडेला ये मानते हैं कि जो ऑप्रेशर है वो फ्री नहीं है, जो हम पे शासन कर रहे हैं वो फ्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गोट इन टू द बस? वल्ली ने बस में चढ़ के क्या किया? सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो एक खाली सीट पर गई और बैठ गई। सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थ्रोली, उसने हर चीज को बस में देखा। वेन सी लुक्ड आउटसाइड, देन सी लुक्ड आउटसाइड, और तब जो है वो बाहर देखना उसने शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन,
व्हाट डज एने फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर? एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने फादर के बारे में और अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है, क्या लिखा है? एने फेल्ट दैट हर फादर वॉज द मोस्ट अडोरेबल फादर, कि एने फ्रैंक ने लिखा है कि उसके पिता सबसे प्यारे पिता थे सी हैड एवर सीन, जहाँ तक उसने देखा है सबसे प्यारे पिता उसके रहे हैं। एने रिमेम्बर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ, एने अपनी दादी को उनकी मृत्यु के बाद भी याद करती है। सी रोट इन अ डायरी, उसने अपनी डायरी में लिखा है दैट वन न्यू हाउ ऑफन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर एंड स्टिल लव्ड हर। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता कि वो उसे कितना ज़्यादा उसकी दादी को याद करती है और आज भी जो है उसे प्यार करती है, ये लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड बुद्धा कन्विंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, कि गौतम बुद्धा ने उनको कैसे समझाया? तो हमने देख लिया था कि गौतम बुद्धा ने उनसे मस्टर्ड मंगवाया और कोई नहीं मिला, और ऐसे घर से लाने के लिए कहा जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हो, तब वो समझ गए कि मृत्यु जो है वो सभी के लिए एक समान है। क्वेश्चन अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल? नेल्सन मंडेला को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ फॉर डिमांडिंग इक्वलिटी फॉर ऑल हिज फेलो ब्लैक अफ्रीकन। जब मंडेला ने अपने अश्वेत साथियों के लिए बराबरी का, समानता की डिमांड करी, तो उसे गैरकानूनी और एक तरीके से विरोधी घोषित कर दिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया। ही वॉज पनिश, उसे सजा दी गई। आइसोलेटेड, उसे अकेला कर दिया गया। एंड पुट इन टू जेल, उसे जेल में डाला गया। ही एंड हिज कॉमरेड्स वर ओप्रेस्ड, उनका शोषण किया गया। एंड टॉर्चर, उनके यातनाएं दी गई। बियॉन्ड टॉलरेंस, सहन करने से भी ज़्यादा उन्हें यातनाएं दी गई। ही सफर्ड हंगर, उन्हें भूखा रखा गया, उन्हें दबाया गया, ऑप्रेस किया गया। इनजस्टिस, अन्याय का उन्हें सामना करना पड़ा। केप्ट द फ्लेम, बट केप्ट द फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस बर्निंग इन हिज हार्ट, लेकिन नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मा में, अपने दिल में आज़ादी की जो आग है उसे जलाए रखा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? कवि के अनुसार, कवि जो है वो डिजायर का यानी फायर का पक्ष क्यों लेता है दुनिया के अंत के लिए? डिजायर इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन आइस, यानी आइस का मतलब है टार्ड। इच्छा जो है इंसान की, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, वो नफरत से ज्यादा विनाशकारी होती है। तो इसीलिए कवि इच्छा का जो है वो पक्ष लेता है। डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द ज़ू और फायर एंड आइस का यहाँ पर समरी पूछी गई है। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन ऑफ मटिल्डाज अनहैप्पीनेस? मटिल्डा हमेशा दुखी क्यों रहती थी? मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज ही हैड नो डोरी, कि मटिल्डा इसलिए दुखी रहती थी कि वो अपने आप को गरीब समझती थी, ना ही उसके पास कोई दहेज था। नो होप, ना ही उसे आगे पैसा मिलने की उम्मीद थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, उसे जाना माना यानी विख्यात बनने का कोई स्रोत उसके पास नहीं था, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज? हरी सिंह कैसा चोर था? हरी सिंह इज अ 15-year-old बॉय, हरी सिंह एक 15 साल का बच्चा है, हु इज अ सीजन्ड एंड सक्सेसफुल थीफ, जो कि एक सफल चोर है इतने से छोटे से जीवन में। ही इज स्किल्ड एट लाइंग एंड स्टीलिंग, वो झूठ बोलने में और चुराने में माहिर है। एंड इज क्लेवर मैनिपुलेटर, हु चेंजेज हिज नेम टू अवॉइड गेटिंग कॉट, और वो बहुत ज़्यादा जो है चालाक है, क्योंकि वो हर बार चोरी करने के बाद अपना नाम चेंज कर देता है पुलिस से बचने के लिए, मालिकों से बचने के लिए। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, वो मानव स्वभाव का जो है एक बच्चा बहुत ही अच्छा ज्ञाता है। एंड अंडरस्टैंड दैट द सिंपल लुकिंग पीपल कैन बी इजिली रोब्ड, और ये जानता है कि साधारण दिखने वाले लोग को आसानी से लूटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण हमें यहाँ पर करना है। सी इज अ यंग ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग वूमन, मटिल्डा जो है वो बहुत ही युवा सुंदर आकर्षक महिला है। हु इज मैरिड टू अ लो रैंकिंग गवर्नमेंट क्लर्क, जो कि जिसकी शादी जो है वो एक सरकारी क्लर्क से, बाबू से हुई है, गरीब बाबू से हुई है। मटिल्डा इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रेस, उसकी प्राकृतिक सुंदरता और भव्यता है उसमें।
बट सी इज डिससेटिस्फाइड, लेकिन वो हमेशा असंतुष्ट रहती है विद हर लाइफ, अपने जीवन से, ड्यू टू हर परसीव्ड लोअर सोशल स्टेटस। समाज में उसका जो निम्न स्तर है, उसे ख्याति जो नहीं मिल रही है, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमने देखे 6 कुल पेपर जो कि कल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द वहाँ पर चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का मतलब वही रहता है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है, तो ये 40 मिनट आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी सलाह है कि आपको क्वेश्चन हमेशा पूरे करने चाहिए, चाहे आपको किसी प्रकार का आंसर, उससे रिलेटेड आंसर भी लिखें, लेकिन आप क्वेश्चन पूरे करें, कभी भी प्रश्न परीक्षा में छोड़े नहीं, समय का आप ध्यान रखें, ये बात आप जरूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्त जो क्लास 10th में हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें। दूसरे सभी विषयों के लिए भी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री लेकर के आऊँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर लेकर के आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।